आज का अपना टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया कि ई कॉमर्स लिए किड़िया किड़िया अपॉर्चुनिटीज जड़िया फ्यूचर के जड़िया इंडिया के कोल हो सकदियां ई कॉमर्स नाल रिगार्डिंग जिदे असी चार पाँच पॉइंट डिस्कस कर जा रहे हैं। सब तो पहला पॉइंट है स्किल्ड लेबर फोर्स। स्किल्ड लेबर फोर्स का मतलब है कि ई कॉमर्स के उतरन के लिए हर एक बिजनेस में कई तरह के प्रोफेसनल्स की लोड़ पैंदी है, चाहे वह प्रोफेसनल उन्हां दी कोई एनीमेशन दे नाल रिलेटड होवे, मल्टीमीडिया दे नाल रिलेटड होवे, या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग दे नाल रिलेटड होवे। ये सारे प्रोफेसनल्स जिहड़े आ स्किल्ड लेबर जिहड़ी आ ये जरूरत आ, ते आउण वाले समें दे विच इन्हां दी जिहड़ी आ डिमांड है जिहड़ी वह इनक्रीज हो जाणी आ, क्योंकि हर एक बिजनेस जिहड़ा वह ऑनलाइन हो रहा, सैलिंग बाइंग वो सारी ऑनलाइन की जा रही है। इस करके स्किल्ड लेबर फोर्स की जी जरूरत आन वाले समय के फ्यूचर के जी इनक्रीज होनी ही होनी है, बदनी ही बदनी है। सो दूसरी ऑपरचुनिटी ये आ जाती है सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स बेसिकली कौन ने, जिड़े कि प्रोग्रामरस ने या जिड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरस है। मैं एक खास तुहानू ऑपरचुनिटी दसदा कि जिमें कंप्यूटर साइंस है, हुण जिमें एम टैक कंप्यूटर साइंस या बी टैक कंप्यूटर साइंस करन तो बाद जिहड़े आ जिहड़े बच्चे प्रोफेसनल कोर्सिस करके निकलते हैं, वह सारे के सारे इन्हां प्रोग्रामिंग फील्ड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जिहड़ा वो अपना काम जिहड़ा अपनी सर्विस जिहड़ी आ वह पबलिक नूं दे रहे आ। सेम इस तरीके दे नाल इंडिया दे विच सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या प्रोग्रामरस की जी डिमांड है जी आने वाले समय के इनक्रीज होने वाली है, क्योंकि अपने कोल सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स है। क्वालिटी नू मेनटेन करना या क्वालिटी सॉफ्टवेयर जरा बना भी बहुत घट पैसे के उपर, मतलब काफ़ी चीप रेट के उपर जरा प्रोवाइड करना, यह भी एक चंकी ऑपरचुनिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आने वाले समय के। नैक्सट तीसरी ऑपरचुनिटी अपने को आ सकती है ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि जिहड़ी भी कंपनी जिहड़ी ऑनलाइन काम कर रही है उन्हूं अपने कस्टमर के नाल सपोर्ट दे लई, क्योंकि जेकर कस्टमर नूं किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट के नाल रिगार्डिंग, चाहे वह टैक्नीकल सपोर्ट की गल करे या किसी जनरल सपोर्ट की गल करे, वो सारिया चीज़ा जिहड़ियां वो मेनटेन करन दे लई या मैनेज करन दे लई कई इहो जिहे BPO सैक्टर्स जिहड़े आ अपने इंडिया दे विच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके आ, क्योंकि हर एक कंपनी ने अपने कॉल सेंटर्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं जिदे करके वो अपने कस्टमर्स नूं जिहड़ा वो सपोर्ट जिहड़ी है 24/7 जिहड़ा सपोर्ट दे रही है। ये भी एक बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी आने वाले समय के कि चंगे प्रोफेसनल्स जिहड़े कि इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के इंग्लिश बोलने वाले की गिनती जिहड़ी आ वह लगातार दिन ब दिन जी इनक्रीज हो रही है। इस करके चंगे प्रोफेसनल्स जोड़े आने वाले समय के उन्होंने पूरी डिमांड होगी BPO सैक्टर के इंडिया की इंडिया के लिए। नैक्सट ऑपरचुनिटी ये आ सकती है एक्सपोर्ट डेटा सर्विस, यानी यहोजियां सर्विस जी कि डेटा सर्विस रिलेटड हो जाएगा, क्योंकि जो कोई भी कंपनी जी अपने डेटा कन्वर्ट करवाई है, कहने का मतलब कि जो अपने डेटा एक डिजिटल फॉर्म के चेंज करवाई है तो उन्होंने एक्सपोर्ट डेटा सर्विस किया जाता है, यानी ये भी एक चंगी ऑपरचुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय के हर एक चीज़ जी डिजिटली ही जी की जा रही है, चाहे वह कोई गवर्नमेंट की स्कीम होवे, चाहे होर कोई बिजनेस होवे, हर एक दे विच, क्योंकि हुण ई डॉक्यूमेंट जिहड़े वह वैलिड मने गए आ, चाहे कोर्ट लॉ की भी गल करिए तो उन्होंने भी हुण जिहड़े ई डॉक्यूमेंट जिहड़े वह वैलिड मने गए आ। इस करके ये भी एक चंगी ऑपरचुनिटी है कि डॉक्यूमेंट्स नू डिजिटल फॉर्म दे विच चेंज करना। नैक्सट ये जॉइंट वेंचर्स, ये आप डिस्कस कर रहे हैं कि जिहड़ी ऑपरचुनिटीज़ इंडिया नू मिलनगियां या आने वाले समय दे विच की हो सकता। जॉइंट वेंचर्स का मतलब है जदों कोई कंपनी है जिहड़ियां दूसरी कंपनी दे नाल मिल के जदों अपना कोई बिजनेस करदियां रल जांदियां, जदों आने वाले समय के इदां दियां कंपनियां ही वेखण नू मिलनगियां जिहड़ियां कि इहो जी ऑपरचुनिटी होएगी उहनां दे कोल कि वह वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नाल डील करनगे विद मिनिमम रिस्क एंड कॉस्ट, यानी उन्होंने कॉस्ट भी मिनिमम होगी तो रिस्क भी बहुत घट होगा। इस करके ये भी एक चंगी ऑपरचुनिटी है कि कोई एहोजियां जॉइंट वेंचर्स कंपनीज सामने आन जिहड़ियां कि एक दूसरे के नाल मिलकर जिहड़ा वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जिहड़ा पब्लिक नूं प्रोवाइड कर, बहुत घट रिस्क के उपर, बहुत घट रेट के उपर।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये आ सकती है, इंडियन कंपनीज ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर सर्विस एट कंपेटिटिव प्राइस। यानी इंडियन कंपनीज को लेकर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट नू ते उदी डिलीवरी सर्विस नू, क्योंकि ये भी एक चेन है, प्रोडक्ट नू बनाना फिर उन्हें कस्टमर तक डिलीवर करना, अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी बहुत कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने वास्ते होएगी।